अब क्या करें, आप पैजामा तो कहीं चेंज करके नहीं आ सकते ना, तो आप अंदर से भेज ही देंगे। भारत माता की जय। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है मोदी जी का, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो। बहुत बहुत हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और आप सभी को मेरा पहला प्रणाम। मैं जानकी रावत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दगड़ियो, ये देखो मेरा आज न्यू फ़ोन है, और देखो इसमें एकदम कितनी क्लियरिटी आ रही है। तो आज तक क्या हो रहा था, पिथौरागढ़ में खूब हलचल हो रही थी, रोडें बन रही थी, पेंटिंग्स बन रही थी, और आज वो घड़ी आ चुकी है। हमारे आ रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी 12 अक्टूबर को, और ये आंटी कर रही है सिलाई। आप नहीं चल रहे हो? जा रही हूँ, कोई आ रहे हैं ना। अच्छा, तब रुकी हूँ। अनीता कहाँ है? अनीता तो वही है। हाँ? अच्छा, तो वहीं से आएगी हो? छुट्टी देंगे तो फिर आएंगे। अच्छा, अब क्या पता, आएगी वहाँ पर। आप बच्चे घर में? पापा, इसके पापा नहीं आ रहे? नहीं। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ मीना के वहाँ। आजकल हम दोनों का बहुत साथ हो रहा है, तो हम लोग टाइम से जा रहे हैं, वरना वैसे हमको मिला है पास, तो हमें मिली है वीआईपी सीट। ये देखो दोस्तों, हम लोग कितने सुंदर आ रहे हैं। नए फोन का कमाल, नए फोन का कमाल। सही, अब दो बधाई दो, बधाई दो यार, मांगनी पड़ी है ब्लॉग कैमरे के साथ। थैंक यू मां, बहुत क्लियर आ रही है ना। तो ये देखिए दोस्तों, सिनेमा लाइन की रोड भी आज कितनी अच्छी बन गई है, और अभी तक कुछ दिनों पहले तक कितनी उबड़ खाबड़ यहाँ पर रोड का काम चल रहा था, और आज देखिए कितनी अच्छी बन गई है ना दीपी, बहुत अच्छी। उनके आने से बनी है, कितना अच्छा लग रहा है ना चलने में। आगे थोड़ा टूटी है लेकिन अभी नहीं बनी। अच्छा, क्योंकि मैं जब से पिथौरागढ़ आई हूँ ना, इस गली में मुझे तो इतनी गंदगी दिखी, चलने में भी वो होता था। ये देखिए दोस्तों, सब लोग कितनी तेजी के साथ जा रहे हैं, सब रंगियाली पिछौड़ी में, क्योंकि जो पिछौड़ी है वो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की एक पहचान है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं विकास भवन में, अपने साथ इतने सारे लोगों को लेके चल रहे हैं। अभी सबसे पहले शायद वो स्टेडियम, अपने दिन की यादें जा रही है बच्चों को देख करके ना, पिछौड़ा चढ़ा हम लोग भी जाते थे ना स्कूल टाइम में। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम, और देखिए चारों तरफ बैनर ही बैनर लगे हैं भाजपा के। देखिए कितना सुंदर लग रहा है पिथौरागढ़ का स्टेडियम। क्या करेगा यार, उल्टा क्यों?
ना मुझे पहनाओ। और अब दीप्पी मुझे पहना रही है, कच्चे बनाए पक्के बनाए पक्के सर नीचे फिट नहीं आ रहा। कैसे लग रहे हैं? हम लग रहे हैं पीछे लग रहे हैं। जानकी बेचारी परेशान हो गई है क्योंकि इसने पहना है नीचे से ब्लैक प्लाजो और बोल रहे हैं कि ब्लैक ड्रेस नॉट अलाउड। अब ड्रेस चेंज करने दूर घर कहाँ जाऊंगी अभी देख रहे हैं। उन्होंने तो ब्लैक शर्ट पहनी है। तो दोस्तों पर्स हम अपना कोई दुकान में रख के आ गए क्योंकि वो भी पूरा ब्लैक था। अब क्या करें, अब पैजामा तो कहीं चेंज करके नहीं आ सकते ना, तो अब अंदर से भेज ही देंगे। और फ्रेंड हम पर्स तो ऊपर रखा है, उसके साथ अपने पास भी छोड़ के आए अभी दिव्यांशी को भेजा। पास उल्टा पुल्टा हो रहा है जबकि हम टाइम से आ गए थे सबसे पहले, लेकिन अभी तक अंदर एंट्री नहीं मिली है हमें। ब्लैक अलाउड नहीं आ पाया क्योंकि ब्लैक अलाउड नहीं है अब। लेकिन फिर सर ने बोला कि चलो ये तो कॉम्बिनेशन ठीक है, बट पर्स हमने रखा है शॉप पे, हमें पता नहीं था कि ब्लैक अलाउड नहीं है। ब्लैक अलाउड नहीं होता है, लोग विरोध के झंडे दिखा देते हैं इसलिए। हाँ दोस्तों हो चुकी है हमारी अंदर एंट्री, बड़ी मुश्किल से एंट्री करने दी है। धगधगाहट हो रही थी ना, फिर से कोई जाने बेचारी को वापस ना जाना पड़े। तो कितना अच्छा लग रहा है ना स्टेडियम, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमें मिल चुकी है सीट और वो भी वीआईपी वाली। तो वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है हमें। हाँ मतलब जो हमारे साथ और भी थे वो लोग तो उस साइड बैठे हैं रेड चेयर में, हम लोग बैठे हैं व्हाइट चेयर में। तो देख सकते हैं आप आगे पीछे। हाँ कोई नहीं आगे भाई और वो बेचारे जिसको चाहिए था। और दोस्तों हमको बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा, अच्छी खासी सीट मिली थी हमें और आगे जाना है तो हम और आगे आ गए। श्री नरेंद्र मोदी जी की एक विशाल जनसभा श्री सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में होने जा रही है, जिसमें पूरे पिथौरागढ़ जिले में पूरे लोग और इस जनपद के अंदर आज मोदी जी आए हैं। तो हम उनसे निवेदन और आग्रह करने वाले हैं कि पिथौरागढ़ मुख्यालय से लगे हुए जो हमारे पर्यटन के स्थल हैं, इधर मुसलमानों से गोरी नदी हमारे हिमालय से निकलती है, काली नदी यहाँ से निकलती है, राम गंगा यहाँ से निकलती है और छोटी मोटी अनेक नदियां हैं वो आगे जाके आगे शुरू बन जाता है। लेकिन यहाँ की विषम भौगोलिक नदियाँ यहाँ से जारी, सिंचाई में पानी मिलना है उत्तराखंड के हमारे दौरे के अंतर्गत इस विशाल जनसभा में आमा ने दे दिया हमें छाता, बहुत राहत मिल रही है क्योंकि आमा जाने बीच में उपस्थित हमें छाता के नीचे बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, क्या बताएं। इस देवभूमि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का काम हो रहा है मोदी है, तो हर गरीब को आवास देने का काम हो रहा है मोदी है, हर गरीब को आज ये इस देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान कार्ड देने का काम हो रहा है आज मोदी जी के कारण। आज पूरे देश में गरीब के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए जो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, हम मोदी जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हमारी मातृशक्ति आई है, हमारी माताएं बहने आई है, हमने करना है मोदी जी का अभिनंदन करते हुए करना है क्योंकि मोदी जी उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में 2025 में उत्तराखंड जब 25 साल का होगा तो उत्तराखंड दुनिया के और राज्यों में उत्तराखंड एक विकसित राज्य बने, उत्तराखंड का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री स्वागत है, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, अभिनंदन। सबको प्रणाम नमन करती हूँ, सारे अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका के चेयरमैन, मेरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक देव तुल्य पास पहुँच रहे हैं, आपको बधाई और शुभकामनाएं।
मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि वो कौन से क्षण होंगे जब प्रधानमंत्री जी हमसे तुरंत आकर के मिलेंगे, और बहुत कम समय रह गया जब प्रधानमंत्री जी और आपके बीच की दूरी कम हो रही है। जिस व्यक्तित्व को एक झलक देखने के लिए पूरी दुनिया तरस रही हो, जो आज भारत माँ का सपूत पूरे विश्व में भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए रात और दिन अहर्निश मेहनत कर रहे हो, जिन्होंने G20 में ये टीम विश्व बंधुत्व की टीम देकर के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम वसुधैव दोस्तों लगता है मुझे उसकी स्थापना वसंत देव और उनकी राजधानी कार्तिकेय। कार्तिकेय पुर जोशी मठ में थी, बैजनाथ थी और कतूरी वन, हम सबके मनों को आह्लादित कर रही है। हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जनता जनार्दन। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया, और आप जरा जोर से ताली बजाना, एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दमखम दिखाने गए थे, और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। एक काम करेंगे, ये उत्तराखंड के बच्चों ने कमाल की है, एक काम करेंगे अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए, और उन सबको ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए, अपना फ्लैश लाइट करके सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके शाबाश, ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। मैं फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को, इन खिलाड़ियों को फिर से अपने बधाई देता हूं, और आपने भी आज एक नया रंग भर दिया। साथियों बैठिए, बहुत आभारी हूं मैं आपका। तो दोस्तों मोदी जी का भाषण खत्म होते ही देखिए कैसे भगदड़ मच गई है, सब लोग जाने लगे अपने घर को, ये देख सकते हैं आप, अभी तक सब मोदी जी के लिए रुके थे। तो दोस्तों करते हैं हम यहीं पर अपना ब्लॉग आज का एंड, और आज आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज बताना, और सबकी हालत इतनी खराब हो रही है, सबकी हालत इतनी खराब हो रही है, पानी से ये बेचारी कब से कह रही चलो घर चलो। तो आज का ब्लॉग करते हैं मिलते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। दोस्तों देख सकते हैं मोदी जी के जाने के बाद चेहरों की हालत कैसी हो गई है,